हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज एक्चुअली मैं अभी वेट कर रहा हूँ, दीपक जी आ रहे हैं, उनके साथ मैं सदर जा रहा हूँ। मेरठ का पुराना एक बाज़ार है, कभी मेरठ की शुरुआत अगर कहोगे तो वहीं से ही, उसी इलाके से हुई है। वही एक मार्केट रहा है मेन, जहाँ पुराने समय से लोग आया करते थे। खैर, अब तो हर जगह मार्केट हो गई है और सामान सब जगह अवेलेबल हो जाता है। तो उनके साथ आज वहाँ के कुछ चीज़ों को देखेंगे और आपको भी पता लगेगा मेरठ शहर के बारे में। तो फ़ोन कर दिया था, अभी पहुँचने वाले हैं, बस उनके साथ अभी निकल के वहाँ पहुँचते हैं और फिर आगे बात करता हूँ मैं। दोस्तों, हम पहुँच गए हैं सदर, और सदर का ये चौराहा बड़ा मेन है। ये सामने हनुमान जी की मूर्ति है, ये हनुमान चौक भी कहते हैं। और अगर यहाँ से हम लेफ्ट में जाएंगे तो ये सीधा कंपनी मार्ट की तरफ जा रहा है, और इधर से सदर की शुरुआत हो जाती है। मार्केट बहुत अच्छी है, ब्रांडेड शोरूम वगैरह कंपनीज के। चलिए आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। तो दीपक जी तो आगे चलेंगे, आज मैं थोड़ा सा वॉक करके आपको कुछ चीज़ें दिखाता हुआ चलूँगा। हनुमान जी की बड़ी भव्य मूर्ति है ये सामने, बिल्कुल इसके आप देखेंगे तो ये घंटाघर दिखाई देगा। बहुत ही प्यारी मूर्ति बनाई है। यहाँ से हम चलते हैं स्ट्रेट, कार पार्किंग के लिए बीच में इन्होंने जगह बनाई हुई है। ये सबसे पुराना मेरठ का इलाका आ जाता है एक तरीके से, मार्केट एरिया, पॉश, जैसे दिल्ली में कहते हैं कि कनॉट प्लेस जाओ आप। और यहाँ आने के लिए अगर कोई बाहर से है, यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर रोडवेज बस स्टैंड है। और यहाँ से अगर हम सीधा स्ट्रेट जाएंगे, ये पूरा सदर का एक मार्केट आ जाता है। और इससे अगर हम लेफ्ट होंगे तो यहाँ से ये सीधा बेगम ब्रिज, सुना होगा अगर मेरठ में, और आबू लाइन, ये स्ट्रेट जाती है। तो सर जी ने बाइक लगा दी है सामने, ये डेरा वाला जी की दुकान है, यहाँ बड़े अच्छे पानी पताशे मिलते हैं, तो सर के तो बहुत फेवरेट है। क्यों सर, दीपक जी खिलवा रहे हो? तो अभी हम पानी पताशे लेंगे। ये सामने घंटाघर आ गया और ये सीधी रोड जा रही है आबू लाइन के लिए। अभी यहाँ से हम होके चलेंगे सीधा सदर की तरफ। सूजी के ना आटे, सूजी के है? नहीं नहीं मैं आटे के लूँ। पानी दोनों मिक्स करके दे दो। ये दोस्तों हींग वाला पानी, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है, बिल्कुल हींग जैसा स्वाद आता है। 40 रुपीज़ के पानी बता से हो गए। 40 रुपीज़ में कितने आते हैं? 12। तो पहले 10 के 4 मिलते थे, कोरोना के बाद सब महंगाई हो गई है, पर टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ का। तो ये अब हम चल रहे हैं सदर की तरफ अंदर। ये आ गया हमारा घंटाघर। अभी दिवाली पे यहाँ बड़ा अच्छा रहता है। इस बार दिवाली पे तो शायद अच्छा चलेगा, है ना, क्योंकि लॉकडाउन तो इतना नहीं है। अगर तीसरी लहर नहीं आई तो। हाँ जी, बहुत पुरानी मार्केट है और अच्छा सामान मिलता है और रीजनेबल भी है, बार्गेनिंग कर सकते हो, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं, पुरानी मार्केट होने के कारण। जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिल जाएगा।
से ये काली का मंदिर है, यहाँ पर बड़ा फेमस है और मैं तो फर्स्ट टाइम ही अभी दर्शन करूँगा, तो सोचा जब आए हैं तो क्यों नहीं दर्शन किए जाए। और सर कह रहे हैं ये टिक्कियाँ यहाँ की बड़ी फेमस है, तो यहाँ आते हुए हम ज़रूर इसको टेस्ट करेंगे। सर बता रहे हैं 450 साल पुराना मंदिर है और यहाँ चारों तरफ से अब तो घर बन गए हैं। ये सदर का काली का मंदिर, हाँ नक्काशी वगैरह तो बाद में डेवलप हुआ है दोबारा। नवरात्रों में बड़ी धूम रहती है। हम बाहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, अब बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, आज भीड़ भी नहीं है कुछ ऐसा, मंगल और शनिवार को ज़्यादा रहता है। तो सर कह रहे हैं आप टिक्की खाई जाएगी, क्यों सर? हाँ जी टिक्की खिलाओ, टिक्की खिलाओ, जो वादा है निभाना पड़ेगा। काली मंदिर घुमाऊंगा तो टिक्की खिलाऊंगा। तो ऑर्डर दो तो भी टिक्की। अंदर बैठे, अंदर बैठे, हेलमेट लेके आओ भाई साहब मेरा। सर जी हेलमेट भूल गए हैं। पता लगा कोई और उठा के ले गया वहाँ से भाई साहब, नहीं तो हेलमेट छोड़ाते। मिल गया। सर पूछ रहे हैं ब्लॉग का नाम, मैं टाइप कर देता हूँ। तो सर ने पूछा व्लॉग बना रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मैंने इन्हें बता दिया। अभी देखते रहेंगे, अभी हम चलते हैं टिक्की खाते हैं। चलिए जी, कह दिया उनको। दोस्तों ये आ गई हमारी टिक्की, सबकी फेवरेट है ये यहाँ की, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। देख के पता लगे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, यानी बहुत मज़ेदार है। यहाँ और दूसरी जगह में क्या डिफरेंस है? तो साइज बड़ा है, छोले डालता है, टिक्की का साइज बड़ा है और साथ में छोले और मटर सब चीज़ें एक्स्ट्रा डली है, मतलब कई बार बड़ा सूखा सूखा सा हो जाता है ना, इसमें काफ़ी अच्छा काफ़ी मात्रा में डाला। क्वांटिटी सब क्वांटिटी ज़्यादा है। यहाँ का दोस्तों चूड़ी बाजार है, दूर तक देखेंगे तो चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं यहाँ पर। लेडीज़ के लिए मार्केट मैं स्वर्ग कह सकता हूँ, जो भी यहाँ घूमने आएगा उसको हर चीज़ लेडीज़ से रिलेटेड, शादी ब्याह कुछ भी हर चीज़ है। और यहाँ से अब शुरू हो गया सराफा बाज़ार, पूरा ज्वेलरी का काम है यहाँ पर। तो यहाँ से अब सराफा मार्केट यानी ज्वेलरी का मार्केट शुरू हो चुका है और ये मार्केट का एंड भी हो जाएगा, इसके आगे जाके ख़त्म हो जाएगी मार्केट, सिर्फ यहाँ ज्वेलर्स ही मिलेंगे आपको। और यहाँ बहुत बड़ा यहाँ सराफा का काम होता है, टेक्निकली अगर इसे कहें तो सराफे का क्या क्या चीज़ें होती हैं सारा? सोना चांदी, हाँ बड़ी बड़ी डील्स, मतलब बहुत बड़ा मार्केट है ये एक तरीके से। सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर का वहाँ पे।
रही है अब हम वापसी की ओर। ये था पूरा हमारा सुधर का मार्केट। आई होप सबको पसंद आया होगा, बहुत बड़ा मार्केट है। कभी मेरठ आना हो या कभी इधर आए तो ज़रूर उस जगह को ज़रूर विज़िट करिएगा और शॉपिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहीं से जस्ट 500 मीटर ही पड़ेगा शायद, क्यों सर, काली पलटन का मंदिर जो हमने पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया था, तो यहाँ से काली पलटन के मंदिर भी जा सकते हैं वॉक। हाँ, ये जो काली का मंदिर अभी जो गए हैं उसी से रास्ता भी निकल जाता है और यहाँ से बिल्कुल पास ही है, तो पैदल पैदल भी आप लोग जा सकते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं वापस घंटाघर पर। तो सामने हमारी बाइक खड़ी है, वहां चलते हैं। दोस्तों हम सदर से यहाँ आ गए हैं। यहाँ ये जो जगह है ये मेरठ कॉलेज है पूरा इलाका। यहाँ से अभी घर की तरफ निकल रहे हैं हम लोग और ये सामने कचहरी आ जाती है हमारी मेरठ की। यहाँ पर पूरा बहुत बड़ा एरिया है, इसका फेमस प्लेस है ये मेरठ कॉलेज का गेट है। और सर ने सोडा पिलाया है यहाँ का, बड़ा अच्छा टेस्ट है इसका। तो अभी हम चलेंगे घर की तरफ और कीप वॉचिंग माई ब्लॉग। और आज के ब्लॉग का एंट्री कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो लगातार देखते रहिए, साथ बने रहिए मेरे साथ। कल फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।